दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे सांख्यिकी के प्रकारों पर। सांख्यिकी के प्रकारों पर कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सांख्यिकी का ये प्रकार बताओ। तो बात करते हैं, आप समझते हैं पहले कि सांख्यिकी के प्रकार क्या है। ठीक है, सांख्यिकी यहाँ, ठीक है, सांख्य की। तो सांख्यिकी के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, एक होती है सैद्धांतिक सांख्यिकी, सैद्धांतिक, ठीक है, और दूसरी होती है प्रयुक्त सांख्यिकी, जिसको एप्लाइड कहा जाता है, एप्लाइड स्टेटिक्स, और ये थियोरेटिकल स्टेटिक्स हो गई। अब कुछ चीजें और होती है कि सैद्धांतिक या थियोरेटिकल स्टेटिक्स में क्या आता है। ठीक है, ये इंग्लिश टर्म भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सैद्धांतिक में बात करेंगे, भाई सैद्धांतिक में क्या क्या आएगा, सैद्धांतिक सांख्यिकी में क्या क्या आएगा। तो सांख्यिकी, जो सैद्धांतिक सांख्यिकी है, इसको गणितीय सांख्यिकी भी कहा जाता है। ठीक है, गणितीय या मैथमेटिकल सांख्यिकी, गणितीय सांख्यिकी कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या है, शुद्ध सांख्यिकी कहा जाता है, प्योर स्टेटिक्स। ठीक है, शुद्ध सांख्यिकी भी कहा जाता है, प्योर स्टेटिक्स भी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, थ्योरी ऑफ स्टेटिक्स भी इसको कहा जाता है। ठीक है, सांख्यिकी का सिद्धांत या सांख्यिकी सिद्धांत, थ्योरी ऑफ स्टेटिक्स भी कहा जाता है। तो ये आते हैं। ठीक है, तो इसके तीन नाम ये हो गए, सैद्धांतिक सांख्यिकी में क्या क्या आएगा, गणितीय सांख्यिकी आएगी, ठीक, शुद्ध सांख्यिकी आएगी, और क्या है, सांख्यिकी सिद्धांत या थ्योरी ऑफ स्टेटिक्स, ये तीन नाम आएंगे। ठीक है, इसमें अब इसमें अप्लाइड सांख्यिकी में क्या आएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, अप्लाइड सांख्यिकी। ठीक है, अप्लाइड सांख्यिकी में, तो अप्लाइड सांख्यिकी में नंबर एक पे आएगी आपकी डेस्क्रिप्टिव स्टेटिक्स। ठीक है, इसको वर्णनात्मक सांख्यिकी कहा जाता है। ठीक, डेस्क्रिप्टिव स्टेटिक्स, ठीक है, इसको वर्णनात्मक सांख्यिकी भी कहा जाता है। अब दूसरा क्या है, इन्फ्रेंशियल स्टेटिक्स, ठीक है, या अनुमानात्मक सांख्यिकी, इन्फ्रेंशियल स्टेटिक्स, ठीक है, अनुमानात्मक सांख्यिकी। ठीक है, अब इसको क्या है कि इसमें दो नाम आएंगे। ठीक, इन्फ्रेंशियल में एक नाम आएगा, ठीक है, या तो इन्फ्रेंशियल नाम आएगा, या कभी कभी इसको इंडक्टिव सांख्यिकी भी कहा जाता है, याद रखना ही है। ठीक है, इंडक्टिव सांख्यिकी, तो ये दो नाम याद रखेंगे इसको, इन्फ्रेंशियल कहेंगे या इंडक्टिव, ठीक है, एक ही चीज है। तो ये चीज आ गई। अब इतने में हम इसको एक बार फिर रिवाइज करते हैं, सांख्यिकी, तो सांख्यिकी में दो सांख्यिकी हो गई आपकी, एक सैद्धांतिक सांख्यिकी, प्रयुक्त सांख्यिकी। अब सैद्धांतिक सांख्यिकी के अंतर्गत क्या आएगा ना, इसमें के जो अन्य नाम है या इसको किन किन नामों से जाना जाता है उनको हम देख लें। ठीक है, तो गणितीय सांख्यिकी इसको कहा जाता है, दूसरा और इसको शुद्ध सांख्यिकी भी कहा जाता है, तीसरा इसको सांख्यिकी सिद्धांत भी कहा जाता है, और प्रयुक्त सांख्यिकी है जो एप्लाइड स्टेटिक्स है, उसमें क्या क्या आएगा, डेस्क्रिप्टिव स्टेटिक्स आएगी, और क्या है, इन्फ्रेंशियल स्टेटिक्स, और इसी को कहा जाता है इंडक्टिव स्टेटिक्स। तो ये है इसके नाम। अब थोड़ा सा इसको संक्षेप में भी देख लें। ठीक है, जो हमारे लिए मुख्य है, ठीक है, सोशल साइंस में हम बात करेंगे यहां पर डेस्क्रिप्टिव स्टेटिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टेटिक्स, आशय कहने का मतलब हम लोग बात करेंगे अप्लाइड स्टेटिक्स में। ठीक है, तो जो डेस्क्रिप्टिव स्टेटिक्स में क्या क्या आएगा उसको हम देख लें भाई, कि डेस्क्रिप्टिव स्टेटिक्स में क्या क्या आएगा इसको। तो डेस्क्रिप्टिव स्टेटिक्स में आएगी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको आवृत्ति वितरण कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको, आवृत्ति वितरण, ठीक है, आवृत्ति वितरण आएगा, और क्या आएगा, आवृत्ति वितरण के साथ साथ इसमें केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें आएंगी, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें आएंगी, और क्या आएगा, मेजर सब पोजिशन, ठीक है, या स्थिति की मापें, ठीक है, स्थिति मापें या मेजर ऑफ पोजिशन, ठीक है, और क्या आएगा इसमें, मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, ठीक
ठीक, विचरणशीलता की माप आएगी, विचरणशीलता की माप आएगी, विचरणशीलता की माप है, विचरणशीलता की मापें आएंगी। और क्या आएगा इसमें विचरणशीलता के साथ साथ, और क्या आएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी आरेखीय प्रस्तुतिकरण आएगा, आरेखीय प्रस्तुतिकरण आएगा, आरेखीय प्रस्तुतिकरण, आरेखीय प्रस्तुतिकरण और आरेखीय प्रस्तुतिकरण। और इसके अलावा क्या आएगा इसमें, कॉरिलेशन कोएफिशिएंट आएगा, ठीक है, सह संबंध गुणांक जिसको कहा जाता है, सह संबंध गुणांक, सह संबंध गुणांक, ठीक है। अब आवृत्ति वितरण में आपके इसमें कई चीज आ जाएंगे, ठीक है, जैसे बार ग्राइम आ जाएगा, हिस्टोग्राम आ जाएगा, पॉलीगन आ जाएगा, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी में क्या आ जाएगा, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में मीन आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा, मोड आ जाएगा, स्थिति में आपका क्या आएगा जो मेजर सब सेंट, तो इसमें मीडियन आ जाएगा, ठीक है, मीडियन आएगा, क्वार्टाइल आएगा, डेक्सटाइल आएगा, ठीक है, परसेंटाइल आएगा। विचरणशीलता में क्या आएगा, ठीक है, मीन डेविएशन आएगा, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, जो आरेखीय है प्रस्तुतिकरण है, ठीक है, इसमें क्या क्या आएगा, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो इसमें बार डायग्राम, हिस्टोग्राम, ठीक है, पाई डायग्राम आ जाएंगे, जो कोएफिशिएंट कोरिलेशन है इसमें, ठीक है, पियर्सन मैन का आर आएगा, ठीक है, प्रोडक्ट मूवमेंट का रो आएगा, बाई सीरियल आएगा, पॉइंट बाई सीरियल आएगा, ट्राकोरिक आएगा, ठीक है, तो ये जो आएंगे आ जाएंगे, इनको अगर आप देखना है तो इसका एक लिंक हमने दे रखा है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर जाके इनको आप डिटेल में दे सकते हैं। जब इस पर अभी हम बात करेंगे नॉन पैरामेट्रिक और पैरामेट्रिक की बात करेंगे, तो ये हम एक वीडियो बना चुके हैं, वहां पर आप देख सकते हैं कि पैरामेट्रिक्स कौन है और नॉन पैरामेट्रिक्स कौन है। तो ये हो गए, अब बात करेंगे भाई दूसरी बात कि जो इन्फ्रेंशियल है या इंडक्टिव है इसमें क्या क्या आएगा, ठीक है। तो जो इन्फ्रेंशियल है या ठीक है इंडक्टिव है इसमें दो चीज आएंगी, एक आएगा ठीक है पैरामेट्रिक और दूसरा आएगा नॉन पैरामेट्रिक। तो यहां पे हम बात कर लें पैरामेट्रिक, पैरामेट्रिक स्टेटिक्स, ठीक है, और दूसरा क्या है कि नॉन पैरामेट्रिक स्टेटिक्स, नॉन पैरामेट्रिक स्टेटिक्स, ठीक है, दो आएंगे। तो इन दोनों की जो डिटेल है पैरामेट्रिक स्टेटिक्स और नॉन पैरामेट्रिक स्टेटिक्स, एक हम वीडियो बना चुके हैं, वहां पर आप इन दोनों को देख लेंगे पैरामेट्रिक स्टेटिक्स में क्या क्या आएगा और नॉन पैरामेट्रिक स्टेटिक्स में क्या क्या आएगा, ठीक है। तो ये है, यहां से प्रश्न बनता है कि पैरामेट्रिक स्टेटिक्स में कौन सी चीजें आती हैं और नॉन पैरामेट्रिक स्टेटिक्स में कौन सी चीज आती है, ये आप वीडियो में जाके देख ले और वहां पर ये आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये जो अभी हमने आपको बताया था यहां से भी कभी कभी प्रश्न बनता है, तो ये इजी है, ठीक है, लेकिन ये हमारे जानकारी इसकी होनी चाहिए, ये सामान्य सी चीजें हैं, ठीक है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, जय हिंद।